नमस्कार जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमंत सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी आज कोविड 19 रोधी टीका उत्पादकों से करेंगे संवाद, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम 6 बजे होगी बैठक। कोरोना को लेकर पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक, 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को लगेगा टीका। लोकसभा अध्यक्ष ने राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों के साथ की बैठक, राज्यों ने उठाया ऑक्सीजन टीके की कमी और जीएसटी बकाया का मुद्दा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख नरवणे से की बात, सभी राज्यों को हर संभव मदद देने के दिए निर्देश। हर बालिक को टीका लगाने के निर्णय पर उद्धव ठाकरे ने किया स्वागत, बोले उनकी मांग पूरी करने के लिए पीएम मोदी हैं धन्यवाद के पात्र। ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए महाराष्ट्र में अस्पतालों में लगेंगे संयंत्र, उद्धव ठाकरे बोले मरीजों की असंभव मदद को तैयार है सरकार। सीरम और भारत बायोटेक को जुलाई तक किया गया अग्रिम भुगतान, रुक ना जाए टीके की सप्लाई, इसलिए सरकार ने लिया फैसला। दिल्ली को हर दिन मिलेगी 378 मीट्रिक टन ऑक्सीजन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया आदेश। ऑफिस में 50% केंद्रीय कर्मियों को ही आने की इजाजत, कोरोना को देखते हुए कामकाज के घंटे में भी किया गया बदलाव। दिव्यांग कर्मी या गर्भवती महिलाओं को ऑफिस आने की जरूरत नहीं, डिप्टी सेक्रेटरी से ऊपर के अधिकारियों को आना होगा कार्यालय। कोरोना महामारी के चलते दिल्ली एम्स ने बंद की ओपीडी सेवा, सफदरजंग में ऑक्सीजन न होने की वजह से ऑपरेशन पर रोक। दिल्ली में लॉकडाउन लागू होने के बाद मजदूरों का पलायन जारी, स्टेशनों पर भयंकर भीड़, बस ऑपरेटरों ने जमकर काटी चांदी। दिल्ली मेट्रो सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को कराएगी यात्रा, 50% क्षमता के साथ 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी ट्रेनें। कश्मीरी गेट, राजीव चौक समेत 10 मेट्रो स्टेशनों की एंट्री पर रोक, शारीरिक दूरी का पालन नहीं होने के चलते DMRC ने लिया फैसला। देश में कोरोना से जा रही जान ने सरकार और लोगों की बढ़ाई चिंता, 10 दिन में दोगुना हुए एक्टिव केस, अस्पतालों की हालत खराब। देश में बीते 24 घंटे में 2,59,170 लोग पाए गए संक्रमित, जबकि कोरोना वायरस से 1761 लोगों की गई जान। देश में संक्रमितों का आंकड़ा 1,53,21,000 के पार, अब तक 1,80,530 लोगों की जा चुकी है जान। राजधानी दिल्ली में कोरोना से लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं हालात, हर घंटे में 10 संक्रमितों की जा रही है जान, दावों की खुली पोल। गुजरात के वलसाड में सिविल अस्पताल की हालत बेहद खराब, 3 दिनों से रखी लाशों का नहीं हो पा रहा है अंतिम संस्कार। वलसाड सिविल अस्पताल के बाहर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल, 100 के आखिरी दर्शन के लिए 3 दिन तक करना पड़ रहा है इंतजार। मेघालय में दूसरे राज्यों के पर्यटकों के आने पर लगी रोक, कोरोना के चलते राज्य सरकार ने लिया फैसला। कोरोना के बढ़ते मामलों पर अमेरिका ने अपने नागरिकों से की अपील, कहा भारत की स्थिति बेहद खतरनाक, यात्रा करने से बचें। हरिद्वार कुंभ में शामिल 11 संतों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव, पतंजलि में 10 दिन के अंदर 73 लोग हुए संक्रमित। संक्रमण की गति तेज होने से कुंभ मेले से छटने लगी भीड़, प्रमुख अखाड़ों के संतों ने वापसी करने का शुरू किया काम। ब्रिटेन पीएम ने दौरा रद्द करने के बाद भारत को लाल सूची में डाला, गैर ब्रिटिश यात्रियों के अलावा अन्य सभी के प्रवेश पर लगाई रोक। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी प्रदेश इकाइयों को दिए निर्देश, बोले कोविड के मरीजों के लिए हेल्प डेस्क शुरू करें सभी प्रदेश अध्यक्ष। JNU ने केंद्रीय पुस्तकालय को बंद कर परिसर में लगाई पाबंदियां, हॉस्टल में बचे हुए छात्रों को दिए कोरोना नियमों का पालन करने के निर्देश। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह कोरोना वायरस से हुए संक्रमित, उपराष्ट्रपति नायडू, पीएम मोदी और सोनिया ने की स्वस्थ होने की कामना। गौतम बुद्ध नगर में 30 अप्रैल तक बढ़ाई गई रात्रि कर्फ्यू की अवधि, जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने जारी किया आदेश। कोविड 19 के बढ़ते मामलों के चलते एम्स ऋषिकेश में ओपीडी बंद, अस्पताल प्रशासन ने रोगियों के लिए 300 बिस्तर बढ़ाने का किया ऐलान। गहलोत ने कोरोना के खिलाफ जंग में मास्क को बताया अचूक हथियार, बोले बिना मास्क घर से बाहर निकलने पर लोगों पर होगी कार्रवाई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शिवराज सरकार को दिया निर्देश, का डॉक्टर के दवा लिखने के 1 घंटे में उपलब्ध कराई जाए मेडिसिन। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी योगी सरकार, फिलहाल पूर्ण लॉकडाउन लगाने पर अभी नहीं किया जा रहा है विचार। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसी का नाम लिए बिना लगाया आरोप, कहा कुछ राज्यों के अधिकारी रोक रहे हैं ऑक्सीजन के टैंकर। पंजाब सीएम अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार से किया अनुरोध, बोले टीकों के घटते भंडार के बीच तत्काल की जाए आपूर्ति। अधीर रंजन चौधरी ने चुनाव आयोग से किया चुनाव टालने का आग्रह, बोले स्थितियां सामान्य होने पर कराई जाए बचे हुए 3 चरणों की वोटिंग। फार्मा कंपनी रेमडेसिविर मामले पर फडणवीस ने किया पलटवार, बोले हम किसी जांच से नहीं डरते, कुछ भी नहीं किया गलत। मरीजों और उनके परिजनों की मदद के लिए हेल्प डेस्क बनाएगी कांग्रेस, नगर और ब्लॉक में स्वास्थ्य केंद्र से स्थापित करेगी समन्वय। CBI निदेशक की नियुक्ति के लिए 2 मई को होगी समिति की बैठक, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दी जानकारी। बंगाल में भाजपा भी नहीं करेगी बड़ी चुनावी रैलियां, पीएम मोदी समेत अन्य नेताओं की रैली में आएंगे सिर्फ 500 लोग। उड़ने वाले पक्षियों को लेकर जारी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, का सोन चिड़ैया को बचाएं, भूमिगत बिजली केबल पर करें विचार। दिल्ली सरकार ने विद्यालयों में पहले ही घोषित कर दिया ग्रीष्म अवकाश, अब 20 अप्रैल से 9 जून तक सभी स्कूलों में रहेगी छुट्टी।
यूपी पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 70% से अधिक मतदान, निर्वाचन आयोग ने 20 जिलों का जारी किया ब्यौरा। जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन से की बात, अफगानिस्तान और म्यांमार में सुरक्षा संबंधी मामलों पर हुई चर्चा। भाजपा ने निर्वाचन आयोग से की ममता के खिलाफ कार्रवाई की मांग, दिलीप घोष बोले बनर्जी के बयान से CAPF में पैदा हो सकता है विद्रोह। CBSE के बाद अब ICSE ने रद्द की बोर्ड परीक्षाएं, 12वीं के लिए बाद में जारी किया जाएगा नया शेड्यूल। LAC पर जारी गतिरोध के बीच चीन को भारत की दो टूक, का संबंधों के विकास के लिए सीमा पर शांति बनाकर रखना जरूरी। चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान को हराकर दर्ज की दूसरी जीत, IPL की अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंची। चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 188 रन बनाए, जवाब में 143 रन ही बना पाई राजस्थान रॉयल्स की टीम। IPL में आज दिल्ली और मुंबई के बीच होगा मुकाबला, पिछले फाइनल की हार का बदला लेना चाहेगी दिल्ली कैपिटल्स। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।